स्वागत है। और ये है कटहल, ये छोटे छोटे पीस में कटा हुआ है, छील के धो के साफ किया हुआ है। इसको एक बर्तन में डालिए। और ये है आलू, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा कटा हुआ है क्योंकि गल जाता है, तो ले लीजिए। इसको जार में डालिए, हल्का सा मोटा पीसेंगे। अब यह है लहसुन, इसको भी डालिए। यह है दो हरी मिर्ची, इसको भी डालिए। यह है थोड़ा सा धनिया की पत्ती। अब इसमें डालिए एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, और यह है थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, और ये थोड़ा सा तीखा वाला लाल मिर्ची पाउडर, और ये थोड़ा सा किचन किंग मसाला, इसमें चाहे तो मीट मसाला भी डाल सकते हैं। इसी में डालिए नमक, हल्दी पाउडर, ये है गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा ये कसूरी मेथी। इसमें डालिए दही, इसको मिक्स कर लीजिए। ये है थोड़ा सा काली मिर्च, जीरा, एक सूखी लाल मिर्ची, दो तीन टुकड़ा दालचीनी, दो इलायची, दो लौंग, सबको कूट लीजिए। ये है दो तेज पत्ता। इसमें तेल, ये तेज पत्ता डालिए। इसमें ये आलू कटहल मसाला सब डालिए।
अब इसको पूरा पकने तक पकाएंगे। बनाएंगे थोड़ा सा पुआ, 5-6 केला इसमें ले लीजिए, ये छोटा वाला केला है। और इसमें डालिए चीनी, अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसमें डालिए दूध का, ये है 2-3 इलायची, इसका छिलका हटा के कूट के इसी में डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालिए, ये है मैदा, इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल दो और मिक्स कीजिए, ये छाना हुआ है। जा
चलो कैसा? ओ वाओ कूल बल्लू भटूरे जैसा। क्या आपने कहीं खाए हैं ऐसे पुए? नहीं खाए होंगे, यहाँ खाइए, यहाँ पे ही खाने मिलेगा। खुद रिकॉर्ड हो रहा है। और टिपा चालू है। कोई बात नहीं, इस तरह से बनाएं और खाएं फूले फूले पकौड़े। क्या पुए? पुए नॉट पकौड़े। छटका लो यहाँ से गाड़ेंगे कैसे हम? प्रॉब्लम तो ये है। ये लो लज्जा है, ससर जाता है। देना है थाली? थाली में अरे वो खाए मेरे वहां पे कहां पे? अरे इसी पे, यहीं पे। लाल हो गया। अरे डाला बड़ा दो क्या? हम पूर्ण तो अंधे हो गए हैं, हमको कुछ नहीं दिख रहा। अरे वहां ऊपर में किधर कहीं पे क्या चीज पेपर है ना? होगा मेरे को रख लो, हमको दिख रहा है कहीं तो। अभी देखो ना मसाला के, मैं मसाला बॉक्स के आगे देखो ना। इसी तरह से टेस्टी टेस्टी ये पुआ बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी बना है ये। हाँ।